फिर एक बार सफर शुरू करते हैं राम भाई और शौकत के साथ। चलिए आगे चलते हैं नागरकोट। राम भाई गए हैं यार चेक करवाने के लिए। में एक चीज देखिए, नो हॉर्न जोन है, काफी जगह पे देखने को मिलता है। तो ये साउंड पोल्यूशन का भी ख्याल रखते हैं। नगरकोट जान लागो चलन लिया जाना पड़े ना। नेपाल का मंत्रालय मिनिस्टर हाउस सुधीर हस्ती आज हेलो। ये फोटोबार ब्रिज है रोड को क्रॉस करने के लिए। नेपाल का पार्लियामेंट है। तो राम भाई ने यहाँ से पेट्रोल भर लिया और अब हम आगे चलते हैं। बाय। तो राम भाई अभी बता रहे थे कि यहाँ का पेट्रोल का प्राइस है अभी 181 नेपाली करेंसी। 181। वीर गोरखा बस के पीछे भी है, ये अच्छी बात है ना। इंडिया में भी है गोरखा रेजिमेंट। फर्स्ट व्यू है नागरकोट का। नागरकोट एक हिल साइड है जहां से हिमालय माउंटेन और माउंट एवरेस्ट का दर्शन किया जा सकता है। पूरी दुनिया से तमाम लोग यहां पर आते हैं हिमालय का दर्शन करने के लिए। हम आकर पहुंच गए हैं नागरकोट और अभी व्यू पॉइंट के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और रास्ते में आते हुए दोनों तरफ हिमालय के जो वादियां है बहुत ही खूबसूरत है। पेड़ पौधे वो संकरी गलियां मनमोहक है। और अब हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट की ओर। उस तरफ है व्यू पॉइंट। तरह से सीढ़ियाँ चढ़कर आकर हम पहुँचे ये व्यू पॉइंट एरिया। ये व्यू पॉइंट एरिया है। अब यहाँ से हमें इस टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा देखने के लिए। तो चलिए चढ़ते। अगर चढ़ गया ऊपर अब मेरी बारी। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। बादल छाए हुए हैं जिसके कारण विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बादल हट जाए और हमें हिमालय के ये खूबसूरत दृश्य देखने का मौका मिले। हम कुछ देर यहाँ इंतजार करेंगे कि ताकि बादल हट जाए और जो व्यू है यहाँ हिमालय का वो मैं आपको दिखा सकूं। देखिए कितना बादल है लेकिन फिर भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। हाय सागर। हाय। ये है नागरकोट हिल्स व्यू पॉइंट। लेकिन इतना ज्यादा बादल छा गया है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ धुंधला ही धुंधला है। एक्चुअली हिली एरियाज में ना आपको दो अलग अलग सीजन माना चाहिए। बरसात के मौसम में आने से क्या होता ना, इस तरह का क्लाउड्स मिलेगा, बारिश होगी। अभी रास्ते में आते हुए भी हमने देखा बहुत ज़्यादा बारिश था, रास्ता उस्ता एकदम पानी पानी था उधर।
और एक विंटर में आना चाहिए, तब क्लियर स्काई मिलता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में तो फिर फॉग रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ जाता वो फॉग हट जाने पर क्या होता ना, ये सारा व्यू अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी रेनी सीजन का यहाँ का मज़ा ही कुछ अलग है। बादलों के बीच में शहरों से दूर शांत जगह पे रहना एक अलग ही सुकून देता है। कुदरत के बीच में रहने का एक अलग ही आनंद है। हम लोग क्या होता ना, कंक्रीट की दुनिया में रहते रहते फिर हम सब भी इंसान वैसा ही हो जाते हैं, एकदम क्या बोले वो, बिजनेस माइंडेड, कैलकुलेटेड, गिव एंड टेक। लेकिन जब आप नेचर के बीच में आओगे तो पता चलेगा कि आप कितना बौना है। यहाँ कुछ और सैलानी भी आ गए हैं। क्या नाम है? इवान थापा। इवान था, कहाँ से है आप लोग? बनस्थली काठमांडू। हाँ, काठमांडू बनस्थली। काठमांडू से। अच्छा अच्छा, यहाँ पहले भी आया था ना? नहीं, पहली बार। जैसे नहीं लग रहा है ना? नहीं आएगा? नहीं ना। अरे फिर तो इतना दूर का आना, मेहनत बेकार हो जाएगा। आ जा सूर्यदेव, बादलों को हटा दो। हाय। हाय। Where from you? The United States. Oh, when you came? About a week ago. This is first visit of Kathmandu. How is feeling here? I love it here. It's really relaxing. Yeah. It's very cloudy, so we cannot see the view, no? Yeah. Bad. And you visited the Kathmandu town? Mm-hmm. Kathmandu town visited? Yeah, and before that, India. Oh. Yeah. India. I am from also India. Okay, from where? Assam. Nice. Northeastern India. Okay. Did you visit? Yeah, I went Assam? To Assam. Oh, I went to New Delhi and Agra and Jaipur. Okay. Yeah. How you felt in India? Good. Yeah. How India? It's amazing. What's the best thing you find in India? Well, I really loved the chaoticness of it. Oh. Yeah, that was really exciting. And the food, of course. Okay. Yeah. Thank you. Are you a vlogger? Yeah, I am a vlogger. Okay, nice. Together we all on this small place enjoying the environment. The viewpoint. Viewpoint. Hello, but unfortunately, I'm from Belgium. Are you from Belgium? Yeah. Oh, that's amazing. From Belgium, India, US. From Nepal. Nepal, yeah. The world is here. Yeah. Yes. Let me search. I'll look at later. Oh, no. Oh, hey. Himalaya range. कई घंटा के इंतजार के बाद अब हम निराश होकर वापस जा रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि भविष्य में कभी फिर एक बार नेपाल आएंगे और हिमालया और माउंट एवरेस्ट का दर्शन जरूर करेंगे। तो अभी अभी हम ऊपर से उतर कर आ गए हैं, जो एक्चुअल व्यू दिखता है वो व्यू तो हमें नहीं देखा, लेकिन फिर भी जितना क्लियर देख सका हमने देख लिया, आपको भी दिखाया। और अभी यहाँ इस तरह का छोटे छोटे स्टॉल है जहाँ पे चाय नाश्ता आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम चाय पी लेते एक बार। दादा चाय होगा? चाय चाय दीजिए दो। नहीं, मिल्क टी। तरह के नाश्ता मिलेगा यहाँ पे। ये चिकन का बना हुआ है, पकोड़ा है, समोसा है और ये सब भी है। तो हमने ये चाय और पकोड़ा लिए है। ये पकोड़ा है 120 नेपाली करेंसी में और चाय है 30 रुपीस नेपाली करेंसी में, यानी दोनों मिलाकर आपका इंडियन करेंसी में हो जाएगा 112। लेट्स एंजॉय टी एंड पकोड़ा। तीखा है बहुत, ये जो साथ में चटनी दिया ना, बहुत ज्यादा तीखा है। दिस इज अमेजिंग साउंड ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट। उस
साउंड सुन रहे थे आप? बाप रे, जैसे मैंने नजदीक गया वो साउंड और ज्यादा लाउड हो गया था। देखिए हिमालयन फॉरेस्ट की व्यू, और ये जो साउंड है ना वो क्रिकेट इंसेक्ट का है। ये साउंड सुनिए, ये भी क्रिकेट का है। ब्यूटीफुल वैली ऑफ नागरकोट, जो करीब करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। नेपाली आर्मी अंडर ट्रेनिंग है, और साथ में ये देखिए सब एग्रीकल्चर फार्म है, ट्रेस फार्मिंग जिसे कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती वो हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए वैली रीजन, नागरकोट वैली। वैली की जिंदगी भी क्या खूब जिंदगी है, शहर से दूर, धूल मिट्टी से दूर, गंदगी से दूर, बस एक सुकून भरी जिंदगी पहाड़ियों के बीच बादलों की दुनिया में। ऐसी जिंदगी तो नसीब वालों को ही मिलता है। ये फ्लावर देखिए हिमालयन, यहाँ के तो ग्रास भी सुंदर है। मक्के की खेती हो रहा है इधर, और उधर वैली। वाह, कूल टेम्परेचर, एकदम शुद्ध हवा। कितना सुंदर यह घर देखिए, काश हम रहते इस घर में और हमारे घर के पीछे ये वैली होती। तो नागरकोट की इस वैली से आपसे विदा लेते हैं, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेपाल सीरीज के सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।